अभियान अंतर्गत आज अंबाजी श्री शक्ति सेवा केन्द्र द्वारा विविध शैक्षणिक संस्थाओं हजारों विद्यार्थियों साथ एक भव्य तिरंगा यात्रा आयोजन कर डीजेना ताले निकलेली तिरंगा यात्रा शहर विविध मार्गो पर फरी थी। शाला में भणता बाड़कों में देशप्रेम की भावना जागे और वीर शहीदों बलिदान ने याद कर शकाय शुभ आशय थी आ तिरंगा यात्रा योजाई थी। यात्रा दरमियान आखू अंबाजी तिरंगामय बनी गयु हो दृश्य जवाया था। अंबाजी गब्बर में 51 शक्तिपीठ मंदिरों में मंदिर ट्रस्ट द्वारा तिरंगा लगवा आयोजन हाथ धरवामां आव्युं छे। डीजेना ताले निकलेली तिरंगा यात्रा शहर विविध मार्गो पर फरी थी। शाला में भणता बाड़कों में देशप्रेम की भावना जागे और वीर शहीदों बलिदान ने याद कर शकाय शुभ आशय थी आ तिरंगा यात्रा योजाई थी। यात्रा दरमियान आखू अंबाजी तिरंगामय बनी गयु हो दृश्य जवाया था। अंबाजी गब्बर में 51 शक्तिपीठ मंदिरों में मंदिर ट्रस्ट द्वारा तिरंगा लगवा आयोजन हाथ धरवामां आव्युं छे। जय के साथ में वंदे मातरम बोलना चाहूँगी। अंबाजी में जो आज ये पदयात्रा निकली है उसके लिए मेन उद्देश्य है कि भारत सरकार ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना शुरू किया है और हम जैसे लोगों को भी जागरूकता का एक संदेश दिया है, उसे देखते हुए मुझे अरावली पर्वतों में रहने वाले ऐसे बच्चों को यहाँ मुख्य धारा से जोड़ना था जिन्हें तिरंगा और अमृत महोत्सव के साथ देशभक्ति के साथ हम किस तरह से जोड़ सकें। और आज आप देख सकते हैं कि अंबाजी के हर घर में, हर एक जगह, हर दुकान में, हर जगह, कहीं न कहीं हर घर तिरंगा लहरा रहा है और बच्चे इसमें जितना जोर शोर से अपना हिस्सेदारी दिखा रहे हैं, मेरे लिए वो अकल्पनीय है। और माँ अम्बा के आशीर्वाद के सिवाय ये और कुछ नहीं है। मैं चाहूँगी कि माँ भगवती अपने हजार हाथों से हमारे तिरंगे को इतनी ताकत दे कि वो संपूर्ण विश्व में सबसे ऊपर और सबसे शक्तिशाली झंडे के रूप में जाना जाए। यही हमारी आज माँ अम्बा से भी प्रार्थना है। और इन बच्चों का उत्साह मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल दिखाइए कि कहाँ कहाँ पहाड़ों में रहने वाले बच्चे आज निकल के इस तिरंगा यात्रा से जुड़े हैं जो अद्भुत और अकल्पनीय है।